हाय, इस वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम चार एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं डेरिवेटिव के। ये पांचवा एप्लीकेशन है इन सॉल्विंग फॉर मीन वैल्यू थ्योरम्स। इनको कुछ लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, IVTs। तो दोनों नाम है, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, हम लोग MVTs ही बोलेंगे। टोटल चार टाइप के मीन वैल्यू थ्योरम्स बने हुए हैं अब तक। एक है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, सबसे पहले यह है था, सबसे इजी है और सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाकी सारे थ्योरम्स इसी से निकल के आए हैं। नेक्स्ट लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, हम लोग इन शॉर्ट LMVT बोलेंगे, और रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को RMVT बोलेंगे। नेक्स्ट इज कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, इसे हम लोग CMVT बोलेंगे। एंड द लास्ट इज टेलर्स मीन वैल्यू थ्योरम। इन सारे थ्योरम्स में जिसमें बड़ा काम कुछ हुआ था वो एक्चुअली ये, लेकिन स्टार्ट यहीं से होते हैं सारा काम। सो इन चारों थ्योरम्स को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। इस वीडियो में मेनली आपको अभी मैं RMVT के बारे में ही बताने वाला हूँ, बाकी LMVT, CMVT, TMVT को अगले वीडियोस में देखेंगे हम लोग। सो लेट्स टॉक अबाउट RMVT। एक फंक्शन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स सी क्या है। इफ fx इज, किसी फंक्शन पे तीन कंडीशंस हो, तीन कंडीशंस हम लोग अभी देखने वाले हैं। एक है कि वो कंटिन्यूस हो इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, डिफरेंशिएबल हो इन ओपन इंटरवल ए टू बी, इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आउटपुट बराबर हो, बोले तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ही का मतलब समझता हूँ, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज जीरो। तो ये रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम है RMVT। सिंस काफी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसमें ये जो चीजें हैं इनको बोलते हैं रोल्स कंडीशन, स्टेटमेंट्स, और इसको बोलते हैं रूल्स कंक्लूजन। और ये पूरी चीज RMVT। सो ये आपका RMVT है। अभी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अगर बात करूं मैं, या इन जनरल बाकी के थ्योरम्स में भी इसके एप्लीकेशन को लेके बात करूं, तो इसमें दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ही है। एक तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये आपके क्वेश्चंस में है, या रोल्स का जहां भी एप्लीकेशन लगेगा स्टैंडर्ड कंसेप्ट के अंदर, वहां पर या क्वेश्चंस के अंदर ये काम में आने वाले। सेकंड, ये पूरा स्टेटमेंट विद दिस कंडीशन एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, और इसमें एटलीस्ट वन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। क्वेश्चंस को पहचानने का तरीका एक्चुअली इसी से होने वाला है आगे, क्योंकि कोई आपको देखो ऐसे बोल के तो देगा नहीं कि क्वेश्चन RMVT का है, तो हम पहचानेंगे कैसेंगे कि RMVT का ये क्वेश्चन है। तो अच्छे क्वेश्चंस में इतना ऑब्वियस नहीं रहता है बताना कि अच्छा ये RMVT का क्वेश्चन है। एक ये चीज की वजह से आपका थोड़ा शक जाना चाहिए कि शायद शायद RMVT से ये क्वेश्चन हो जाए। ओके फाइन, तो दिस इज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें जो बातें बोली हैं वो बहुत ही ऑब्वियस हैं, तो लेट्स प्रूव इट। इसे हम देखते हैं कि ऐसा क्यों, किस वजह से बोला हुआ।
हम दो तरीके से इसके प्रूफ को समझ सकते हैं, एक ग्राफिकली और एक मीन वैल्यू के थ्रू। तो पहले ग्राफ की बात करते हैं। इस कंडीशन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ग्राफ ए एंड बी पे सेम आउटपुट देगा, तो सेम आउटपुट ले लिया मैंने। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है अंडर दीज टू कंडीशंस। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, यहां से यहां तक आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है कुछ तो, जिसमें कोई शार्प टर्न नहीं आना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब, एंड कोई ब्रेक या जंप नहीं आना चाहिए कंटिन्यूटी का मतलब। तो यहां से लेके यहां तक आप अगर कुछ ड्रॉ कर रहे हो जिसमें कोई शार्प टर्न नहीं हो, कोई ब्रेक नहीं हो, कुछ जंप नहीं हो, वो ग्राफ कैसा होगा? तीन तरीके हैं देखो। एक, यहां से आप सीधा हो जा सकते हो, अगर आप सीधा गए तो कैन सी कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशियबल भी हो गया, ये कंडीशन तो पहले ही सेटिस्फाई कर ली, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उस फंक्शन पे। अगर ये सारी सेटिस्फाई हो रही है तो आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव हर पॉइंट पे जीरो है। तो स्टेटमेंट ऐसा था एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो होगा, तो यू कैन से अभी तो हर पॉइंट पर आ गया। ओके फाइन, नेक्स्ट जरूरी तो नहीं है ग्राफ ऐसे ही हो सकता है आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, बी का आउटपुट यही है, तो नीचे तो आना पड़ेगा, और नीचे आते टाइम पे शार्प टर्न आप ले नहीं सकते हो, डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से स्मूथली ही टर्न करना पड़ेगा आपको। तो यू कैन सी आप टर्न लेके अगर यहाँ आ रहे हो तो कोई तो एक मोमेंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहेगी, बोले तो डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। ऐसा एक होगा कम से कम एक, बाकी होने को तो एक बहुत बार हो सकता है। सेम आप नीचे जाते हैं तो भी इसमें बहुत वैरायटी है। तो कैन सी अगर ए बी पे आउटपुट बराबर है और कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है फंक्शन, तो इट्स वेरी ऑब्वियस बीच में डेरिवेटिव जीरो होना ही है कम से कम एक बार। सो ये एक प्रूफ हो गया। एक और प्रूफ है इसका, ये सेकंड प्रूफ जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड है। आपके पास कोई सीक्वेंस हो उसका मीन वैल्यू या एवरेज आप निकाल सकते हो, सबको जोड़ देते हो आप अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन आपके पास मान लो कोई फंक्शन है तो उससे आप मीन वैल्यू कैसे निकालोगे? तो वही लॉजिक, आप अगर मान लो फंक्शन पे लगाना चाहते हो तो फंक्शन के बहुत सारे टुकड़े करने पड़ेंगे, हर पॉइंट पे तोड़ दो, फिर उन सबके आउटपुट को सम निकालोगे तो रीमैन सीरीज का फंडा एक लगेगा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम करेंगे। तो उसके बाद फाइनली बात ये आएगी कि एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इन ए टू बी इज किसी भी फंक्शन एफ एक्स का एक इंटरवल के अंदर मीन वैल्यू फाइनली उस लॉजिक से आप निकालोगे तो कुछ ऐसा निकल के आएगा, जो आई विल रिकमेंड कि फिलहाल आप याद रखो एक फॉर्मूले की तरह। बाकी जब डेफिनेट इंटीग्रेशन सीख जाओगे और एवरेज आपको वैसे निकालना आता है, हर पॉइंट को ऐड करना अपॉन नंबर ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स, तो नेचुरली वो चीज निकल के आती है। सो दिस इज अ एवरेज, एक फंक्शन का ए से बी तक इंटीग्रेशन अपॉन लेंथ ऑफ द इंटरवल। नाउ हम एफ डैश एक्स का एवरेज निकालेंगे इस लॉजिक से। तो एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है, तो इन दोनों से आप एक बात बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स कंटिन्यूस होगा। तो इन पहले दो पॉइंट का मतलब ये हो गया कि कंटिन्यूस होगा। तो अब मैं एफ डैश एक्स का मीन वैल्यू निकाल रहा हूँ उस लॉजिक से। तो आई कैन से दैट मीन वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ए टू बी एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन अपॉन बी माइनस ए, ये होगा। अब इंटीग्रेशन के फंडेज आपको आते हैं तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा।
जो कि जीरो है क्योंकि एफ ऑफ बी तो एफ ऑफ ए के बराबर है। सो एक कंटिन्यूअस फंक्शन का एवरेज जीरो आ रहा है, तो इसमें आप देखो एक बात ऑब्वियस है, किसी चीज का एवरेज जीरो आ रहा है और वो कंटिन्यूअस है तो वो चीज ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर पॉजिटिव होती तो एवरेज जीरो कैसे आएगा। सेम अगर पूरे नेगेटिव होगी तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तो एवरेज ही नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर एवरेज जीरो आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो चीज कहीं ना कहीं नेगेटिव है एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव पक्का है। तो एफ डैश एक्स जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना ही चाहिए। अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव और कंटिन्यूअस है तो बीच में जंप करके तो जाएगा नहीं, एक्स एक्सिस को क्रॉस करके ही जाएगा। तो यू कैन से इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो एक पॉइंट पे तो कम से कम एफ डैश एक्स ऑब्वियसली जीरो होगा। सो दिस इज सेकेंड प्रूफ। तो सिंस कंटिन्यूअस फंक्शन का एवरेज जीरो आ रहा है तो उसके लिए उसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, हेंस कम से कम, और वो कंटिन्यूअस है इस वजह से जीरो उसे बीच में होना ही पड़ेगा, हेंस प्रूफ। तो ये दो तरीके से प्रूफ हो गया आपका। ओके, तो ये आरएमबीटी का यहाँ पे आरएमबीटी क्या होता है ये हमने समझ लिया और उसके प्रूफ समझ लिए। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करा दूंगा, क्वेश्चंस में इसमें काफी दिमाग लगाना होगा जो हम बात करेंगे आगे। सो दैट्स इट, यहाँ पे फिलहाल मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।